हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा रजवंशी ब्लॉग एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो यहाँ सुबह सुबह रेडी हो रहे थे, सुबह नहीं रात ही था आई थिंक। कितना टाइम हो रहा था हम बताते हैं, हम 1:15 में उठे हुए थे क्योंकि कभी भी छठ घाट जाने से पहले ना घर की साफ़ सफाई करके जाते हैं और घर पे पूजा करके तो इस तरीके से जाते हैं। तो हम सोचे कि जल्दी उठेंगे तो आराम से रेडी भी होंगे और हम लोगों को तो दूर जाना था, वैसे भी हम लोग इसी टाइम पे उठा करते थे। हम लोग के घर भी छठ होता था ना, मेरी सासू माँ छठ करती थी तो इसी टाइम पे हम उठा करते थे ताकि सब अच्छे से हो जाए, हबड़ दबड़ ना हो। तो हम उठे तो अपना जो जो साफ़ सफाई करना था वो किए रात में और नहा के यहाँ आए। आई थिंक टाइम हो रहा था 2:30 बज रहा था और 2:30 बजे हम रेडी होना स्टार्ट किए थे और 2:45 तक हम तैयार हो गए थे। और हम लोग 2:45 में निकल गए थे जाने के लिए घाट पे। पहले हम लोग क्वार्टर जाने वाले थे जहाँ दादी सासू माँ का घर है वहाँ पे, तो वहाँ हम लोग जा रहे थे। और देख सकते हैं आज इस तरीके से तैयार हुए हैं हम, टीका वगैरह, मतलब आज पता है नथ जो है ना गलती से मेरे से छूट गया, नथ भी पहनने वाले थे हम क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है छठ घाट इस तरीके से दुल्हन की तरह जाना, बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है। आप लोग हमेशा देखते होंगे कि हम इसी तरीके से जाया करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग घाट पर पहुँच चुके थे और यहाँ पर सब लोग ले कर जा रहे थे दौरा। तो यहाँ पर देख सकते हैं भैया लोग दौरा उठा रहे थे, सारे मेरे जेठ जी लोग ही हैं तो यहाँ पे दौरा लेके जा रहे थे। तो यहाँ पे घाट पे हम लोग आके बैठ गए थे और यहाँ देख सकते हैं जो तीनों लोग व्रत की थी, मेरी दादी सासू माँ, मेरी बड़ी मम्मी जो है बड़ी वाली सासू माँ और मझली वाली सासू माँ, तीनों लोग व्रत की थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ पूरा हेल्प करा रही थी, जैसे कि पूरे जितने भी कलसुप है ना सब पे दिया जलाया जाता है, ये सारा कुछ किया जाता है, तो मेरी सासू माँ ये सब हेल्प कर दे रही थी। सबसे सुंदर लगता है इस तरीके से जो आसमान में पटाखे जलते हैं ना, मेरे को इतना ज़्यादा सुंदर लगता है ना कि हम देख रहे थे और ये थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी शेयर किए रिकॉर्ड करके। यहाँ पे सूर्यदेव जी आ चुके थे और अब और इसके बाद वाला जो वीडियो है ना वो वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि पता है ये वीडियो मेरे जेठ जी शूट किए हैं, वो मेरा इतना हेल्प किए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे हम उनको बोले थे कि थोड़ा सा वीडियो ले लीजिएगा क्योंकि सब लोग बिजी थे, सब लोग अर्घ दिला रहे थे, कोई जो है कलसुप पहुँचा रहा था और हम लोग अर्घ दिलवा रहे थे क्योंकि बहुत, एक तो बहुत स्लिप कर रहा था पानी नीचे से, पत्थर था पूरा तो बहुत दिक्कत हो रहा था इस तरीके से घूमने में। तो हम और मेरी सासू माँ इस तरीके से अर्घ दिलवा रहे थे तो इसलिए ऐसा लगा ना कि जितना ये शूट हुआ है ना मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो ये इस तरीके से रील्स जैसा शूट हो गया, मतलब व्लॉग जैसा नहीं हो पाया है, फिर भी कोई बात नहीं, मेरे को अच्छा लगा कि इतना भी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए तो हो गया वीडियो। हर बार डूबे
फिर हम भी सूर्य भगवान को यहाँ पे जल दिए और उनका आशीर्वाद लिए। यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य भगवान जी का दर्शन हो चुका था और हम लोग आशीर्वाद भी लिए। फिर सुबह में हम सब लोग तो कुछ भी अन्न नहीं खाए हुए थे, तो जो जो लोग यहाँ हवन करना चाहते हैं सब लोग हम लोग कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम भी के हवन कर लिए। यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग हवन कर रहे थे, मेरी ननद जी लोग सब लोग, तो हम भी यहाँ पे गए और हम भी हवन किए। इतना ज़्यादा धुआं लग रहा था ना, देख सकते हैं धुआं हो ही जा रहा है, तो यहाँ पे हवन कर लिए। और यहाँ दादी जी भी बैठी हैं, दादी जी हवन कर चुकी थी क्योंकि वो व्रत की थी, तो जो जो व्रत किया था वो पहले करता है हवन। और यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल, क्योंकि इतना भीड़ था ना, कोई कोई कैमरा के सामने आ ही जा रहा था। देख सकते हैं कैसे रिकॉर्ड हुआ है, बहुत ज़्यादा भीड़ था और इसलिए इतना छोटा छोटा सा ब्लॉग है, क्योंकि बहुत मुश्किल था रिकॉर्ड करना और इतना ज़्यादा हो गया रिकॉर्ड, वहीं काफ़ी है। तो यहाँ पर आशीर्वाद लिए और फिर उठे और अब यहाँ पर प्रसाद मिलने वाला था। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है जब नाक से सिंदूर लगता है सुबह सुबह, और बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नाक से सिंदूर लगा रही है मेरी मजली मम्मी जी सासू माँ, तो सबका लग चुका था, मेरा बस बाकी था, तो मेरा भी यहाँ पे लगा। और फिर यहाँ पे सिंदूर लगने के बाद आशीर्वाद लिए, और हमारे में हर शुभ काम में ना नाक से ही सिंदूर लगाया जाता है। यहाँ पे हम सब लोग एक दूसरे का आशीर्वाद लिए, एक दूसरे का मतलब जो जो बड़े थे उन सब का हम लोग आशीर्वाद लिए, और सब लोग का सिंदूर लगता है। देख सकते हैं यहाँ जो मतलब लड़के होते हैं या बिना शादीशुदा लोग, उनका भी लगता है। यहाँ पे ना दोनों भाई का प्यार देखिए, यहाँ पे टेढ़ा लगा दिया टीका, तो फिर यहाँ पे इस तरीके से ये दोनों भाई का प्यार है, मेरे ससुर जी के सबसे बड़े भाई हैं वो। तो यहाँ पे हम दादी जी का भी आशीर्वाद लिए और दादी जी मेरे को बहुत अच्छा सा आशीर्वाद दी और बहुत प्यार से। यहाँ पे दौरा बना गया, अब हम लोग घर जाने का तैयारी कर रहे थे और अब हम सब लोग घर जाएंगे और ये चीज़ बहुत ज़्यादा याद आएगा। तो देख सकते हैं मेरे को जो प्रसाद मिला वो ये है, जो आंचल में लिया जाता है, वो सब रिकॉर्ड नहीं हो पाया।
तो यहाँ पे मेरे को एक अनार मिला, एक सेब मिला और ये मेन ठेकुआ मिला मेरे को। तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी में बैठे थे और पार्किंग में ही हम लोग को इतना टाइम लग गया ना, 1 घंटे तक हम लोगों को पार्किंग में बैठना पड़ा था, क्योंकि आगे का गाड़ी निकलेगा तभी हम लोग का जाता, तो बहुत टाइम लग गया यहाँ पर। और बहुत याद आएगा ये दिन, हद से ज़्यादा याद आएगा, क्योंकि हम लोग ससुराल का जो पूरा परिवार है हम लोग एक साथ यहाँ पर छठ में थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरा पहला छठ है जिसमें हम सब लोग साथ थे, तो बहुत याद आएगा ये दिन। बैठ के हम ये सोच भी रहे थे, और ये प्रसाद और ये वाला ना वायरल हो गया इंस्टाग्राम पे, जो ठेकुआ वाला हम डाले हैं वीडियो, मेरे को नहीं पता था कि वायरल हो जाएगा। मेरे को जो मतलब आया दिल में हम वो बोल के डाल दिए थे, लेकिन वो वायरल हो गया वीडियो। फिर यहाँ पे हम बैठे बैठे सोचे ठेकुआ खा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, यहीं पे 8 बज गया था हम लोग को बैठे बैठे ही, तब हम लोग घर पे पहुँचे थे। पहले क्वार्टर वहाँ गए, वहाँ से हम लोग प्रसाद वगैरह लेके और तब हम लोग अपने घर के लिए निकल गए थे। सो गाइस, आ गए घर और अभी जा रहे हैं फटाफट से नाश्ता देने ससुर जी को, क्योंकि उनको ड्यूटी जाना है। तो अभी तो टाइम तो था नहीं नाश्ता बनाने का, तो हम लोग बाहर से ही इडली और डोसा खरीद के ला दिए हैं ताकि वो खा के और ड्यूटी चले जाए। तो अभी जा रहे हैं पतिदेव को भी नाश्ता दे देने, वहीं इडली डोसा, और हम लोग भी खा लेंगे सब लोग इडली डोसा, फिर बाद में खाना बनते रहेगा, क्योंकि काफ़ी हम लोग थक भी गए हैं और रात भर एक तो सोए नहीं हैं, क्योंकि पता है छठ में सुबह सुबह जाना होता है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। सब छोटा छोटा सा ब्लॉग आएगा छठ का, क्योंकि ज़्यादा शूट नहीं हो पाया है, तो इसलिए जितना हुआ पूजा में वही काफ़ी है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा। जय छठी मैया।